पहला ही दिन जबरदस्त हंगामे से भरा रहा। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले अकाली दल और टीएमसी ने सदन से बाहर मोर्चा संभाल लिया। अकाली दल ने आंदोलनकारी किसानों के मामले पर नारेबाजी की तो टीएमसी ने साइकिल पर सवार होकर हल्ला बोला। सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी विपक्ष ने पहले से ही तैयार कर रखी है, उसमें से अकाली दल का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। जहां किसानों के मुद्दे को उन्होंने उठाया तो दूसरी तरफ पेट्रोल के बढ़ते दाम, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया साइकिल के जरिए टीएमसी के सांसदों ने। सदन के बाहर की यह तस्वीर आपने देखी, लेकिन सदन के भीतर भी जोरदार हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों का परिचय कराते कराते दलित, पिछड़ा और महिला शक्ति की बात की तो उस पर दंगल शुरू हो गया। शुरुआत लोकसभा से हुई और राज्यसभा में भी फिर यही दोहराया गया। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। बयान लोकसभा में, निशाना यूपी चुनाव पर। मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री को अपने नए मंत्रियों से रूबरू कराना था, लेकिन उनका अंदाज जुदा था। उन्होंने दलित मंत्रियों पर जोर दिया, उन्होंने ओबीसी मंत्रियों को तवज्जो दी, उन्होंने महिला मंत्रियों की बात की। इतना तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि दलित ओबीसी महिलाओं को मंत्री बनना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, तो फिर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, शोर शराबा शुरू हो गया। शोर शराबा में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा का रुख किया। राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ने मंत्रियों का परिचय उसी अंदाज में कराने की शुरुआत की। यहां उन्होंने विपक्ष पर मंत्रियों का परिचय नहीं करा देने का आरोप भी लगाया। मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है, वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। सदन की गरिमा और परंपराएं। पीएम के आरोपों पर विपक्ष के तेवर और सख्त हो गए। विरोधी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सभापति को बार बार विपक्ष के नेताओं को समझाना पड़ा, टोकना पड़ा। विपक्ष मुखर हुआ तो सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। लोकसभा में राजनाथ सिंह तो राज्यसभा में पीयूष गोयल ने विपक्ष पर हमला बोला। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। अगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको खंडन करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरी देश की आशाएं आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है, पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा। मॉनसून सत्र का पहला दिन था, प्रधानमंत्री जानते थे विपक्ष आक्रामक है, कई मुद्दों पर घेरेगा। यही कारण है कि उन्होंने मंत्रियों के परिचय का फायदा उठाकर अपना दांव चल दिया। आखिर मौका भी था और दस्तूर भी। यूपी में चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है, जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं, दलित ओबीसी वोट जीत और हार का फैसला करते हैं। इस बार का कैबिनेट विस्तार में भी जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई। अब मोदी कैबिनेट में 5 कैबिनेट मंत्री समेत कुल 27 मंत्री ओबीसी से हैं। दलित मंत्रियों की संख्या भी 12 तक पहुंच गई। आज तक ब्यूरो। और अब बात पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस की कमान संभालते ही सिद्धू एक्शन में आ गए हैं। चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर का मेकओवर हो गया। पोस्टर में अमरिंदर की जगह सिद्धू आ गए हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू अमरिंदर से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या दिल मिलेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह
ये है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पहले दिन सिद्धू के तेवर बदले हुए हैं, चेहरा दमक रहा है, भाव भंगिमा आत्मविश्वास से लबरेज है, चाल में ठसक है। नई जिम्मेदारी के साथ सिद्धू सुबह सुबह पटियाला से चंडीगढ़ निकल पड़े। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अमरिंदर सिंह से मिल सकते हैं, इसका इशारा उनके ट्वीट से भी मिलता है। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद पहले ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल और प्रियंका गांधी का धन्यवाद कहा, साथ ही ये जता दिया कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने लिखा, कांग्रेस के सभी लोग मिलकर काम करेंगे, पंजाब जीतेगा, जनता को ताकत मिलेगी, ये मेरी यात्रा की शुरुआत है। सिद्धू चंडीगढ़ के रास्ते में थे और चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर का हुलिया बदल रहा था, वहां से अमरिंदर सिंह की तस्वीरें हटाई जा रही थीं। लंबे वाद विवाद और राजनीतिक बयानबाजी के बाद आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस बन गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टरों की जगह पंजाब कांग्रेस के मुख्यालय में नवजोत सिंह सिद्धू के नए पोस्टर होर्डिंग्स बैनर लग गए हैं। सिद्धू के लिए दिल्ली से खुशखबरी वाली चिट्ठी कल रात ही जारी हुई। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू पर भरोसा जताया, उन्हें पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी। दिल्ली में लिखित फैसला आया और सिद्धू समर्थक जश्न में डूब गए। पटियाला से अमृतसर तक ढोल नगाड़े बजने लगे। सिद्धू की मुरादें पूरी हुई तो आशीर्वाद लेने गुरुद्वारा और मंदिर पहुंच गए। पटियाला में सिद्धू सबसे पहले दुख निवारण साहिब के दर पर पहुंचे, मत्था टेका। रात में सिद्धू पटियाला के काली मंदिर जाकर माँ का आशीर्वाद लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो चार कार्यकारी अध्यक्षों की टीम बनाई गई है वो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। खास बात यह है कि इसमें अमरिंदर सिंह का कोई भी नजदीकी नहीं है और ये टीम राहुल की टीम है जो कि युवा कांग्रेस से आती है। तीन विधायक है इसमें और तीन जो रीजन है पंजाब के मालवा, मांझा और दुआबा, उन तीनों रीजन को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। खासतौर से दो जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो मालवा से आते हैं क्योंकि मालवा सबसे बड़ा रीजन है। तो ये जो टीम बनाई गई है पूरा एक सेंट्रल आलाकमान की तरफ से तय की गई है। पंजाब में खींचतान खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि पंजाब में सरकार के मुखिया अमरिंदर होंगे और पार्टी की बागडोर सिद्धू के हाथों में होगी। पंजाब कांग्रेस को रफ्तार देने और सभी समुदायों को साधने के लिए चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनमें कुलजीत नागराज जाट सिख हैं जो मालवा क्षेत्र से आते हैं, संगत सिंह ओबीसी से हैं जो दुआब क्षेत्र से आते हैं, सुखविंदर सिंह डैनी दलित हैं जो माझा क्षेत्र से आते हैं और पवन गोयल हिंदू चेहरा हैं, मालवा क्षेत्र से आते हैं। तो जो फैसला जो कांग्रेस पार्टी ने लिया है वो लोगों की आवाज को देख के लिया गया है। क्या मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री नवजोत सिंह पार्टी जो भी फैसला हाईकमांड ने करना होता है और जो हमने तो एमएलए जीत के लाने हैं। लेकिन नई लीडरशिप अब सिद्धू जी के आगे साथ आगे बढ़ेगी पूरी। लीडर जब लीडर सिद्धू जी हैं तो लीडरशिप आगे ऐसे ही बढ़ती है। सिद्धू ने जनवरी 2017 में कांग्रेस का दामन थामा और चार साल में उन्होंने ऐसी सियासी छलांग लगाई कि पंजाब कांग्रेस के कप्तान बन गए। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान के सामने कई चुनौतियां हैं। मसलन 2022 में पंजाब में कांग्रेस को फिर से सत्ता तक पहुंचाना, अमरिंदर सिंह के साथ तालमेल बिठाना, चार चार कार्यकारी अध्यक्षों को साथ लेकर चलना, नाराज विधायकों का समर्थन लेना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, विपक्ष से दो दो हाथ करना। कल रात तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पोस्टर कांग्रेस भवन में लगे हुए थे उन्हें किस तरीके से छिपाने की कोशिश की गई है ये तस्वीरें भी यहां पर आप देख सकते हैं। दरअसल राजनीति में यही होता है, जो बॉस होता है उसका सिक्का चलता है और जिसे हटा दिया जाता है उसके पोस्टर और उसकी कुर्सी इसी तरीके से साइड में लगा दी जाती है। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस बन गए हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जो बयानबाजी और वाद विवाद उनके चुनाव से पहले हुआ था वो भी लंबे अरसे तक उनके साथ चलता रहेगा। सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कांग्रेस आलाकमान ने यह साफ कर दिया है कि पंजाब में अब पार्टी के बॉस सिद्धू होंगे तो वहीं सरकार के सरदार अमरिंदर होंगे। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया लेकिन ना तो उनकी सुनी गई और सवाल ये कि क्या वो आसानी से मानेंगे।
अभी तक उन्होंने सिद्धू को बधाई नहीं दी है और ये इसीलिए लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अमरिंदर ने 21 जुलाई को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को लंच पर बुलाया है लेकिन इन्विटेशन नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मिला है। सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस तो बन गए लेकिन पंजाब कांग्रेस का विवाद खत्म हो गया फिलहाल ऐसा नहीं दिखता। सिद्धू के नाम का ऐलान हुए 14 घंटे से ज्यादा हो गए लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का अभी तक कोई बयान नहीं आया। ना तो उन्होंने आला कमान के फैसले का स्वागत किया और न ही सिद्धू को बधाई दी। उल्टा कैप्टन खेमे में नाराजगी नजर आ रही है। अमरिंदर अपने फार्म हाउस पर आज समर्थकों के साथ बैठक कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाए जाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह न सिर्फ नाराज थे बल्कि उन्होंने खुलकर इसका विरोध भी किया था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के पास 10 जनपद की इम्यूनिटी थी। अब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन गए हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल खामोश नजर आ रहे हैं लेकिन लग ऐसा रहा है ये कहीं ना कहीं तूफान से पहले की खामोशी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका किसी ना किसी रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को दे सकते हैं। खेमेबाजी तो सिद्धू के दिल्ली लौटने के बाद से ही दिखने लगी थी। सिद्धू के घर और खेमे में जश्न था। सिद्धू पटियाला से चंडीगढ़ तक कांग्रेस विधायकों से मुलाकातें कर रहे थे। ऐलान से ठीक पहले सिद्धू खेमा 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने लगा था तो अमरिंदर सिंह भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। अमरिंदर सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान देने से नाराज थे। उन्होंने आला कमान सोनिया गांधी को तलखी भरी चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था इससे सीनियर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी बढ़ेगी और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस आला कमान पर इस चिट्ठी का असर तो नहीं हुआ। पंजाब के अमरिंदर समर्थकों ने मोर्चा जरूर खोल दिया। अमरिंदर को मनाने के लिए दिल्ली से हरीश रावत आए, उनसे वायदा लिया कि कांग्रेस आला कमान का फैसला मानेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था व्हाटएवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट बाय द सीपी दैट विल बी ऑनर्ड बाय मी आई विल अबाइड बाय दैट। तो ही रिट्रिएटेड दैट स्टेटमेंट टुडे आल्सो। हरीश रावत तो बोल गए कि अमरिंदर सिंह दिल्ली का फैसला मानेंगे लेकिन कैप्टन के रुख में बदलाव नहीं दिखा। यहां तक कट्टर विरोधी रहे सांसद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को भी उन्होंने आगे किया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर के होते हुए पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो इलेक्शंस में हम जा रहे हैं उनकी लीडरशिप में ही जा रहे हैं। तो ये कोई मैं तो कोई ऐसा ऐसी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसकी क्लियरेंस दूं, मगर जो पार्टी हाईकमान ने सभी को कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि टर्म जब तक खत्म होती है तब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़े। दिल्ली से फरमान आ गया तो अमरिंदर सिद्धू की माफी पर अड़ गए। अब बड़ा सवाल ये कि क्या सिद्धू माफी मांगेंगे, सिद्धू अमरिंदर को मना पाएंगे, सिद्धू अमरिंदर की नाराजगी दूर हो पाएगी। दरअसल कांग्रेस के हित में यही है कि सिद्धू और अमरिंदर दोनों मिलकर चले, दोनों कांग्रेस की जरूरत है। सिद्धू की ईमानदार छवि है तो अमरिंदर दिग्गज नेता है, सिद्धू तेज तर्रार है तो अमरिंदर के पास सालों का सियासी अनुभव है, सिद्धू जुझारू हैं तो अमरिंदर सबको साथ लेकर चलने का मादा रखते हैं। पटियाला से अशोक सिंघल, चंडीगढ़ से सतीन चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। घातक साबित हुए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन ने जोरदार वार किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक रिसर्च के बाद दावा किया कि वैक्सीन कोरोना से जान बचाने में 99% असरदार है। इस रिसर्च के मुताबिक 90% मामलों में वैक्सीन अस्पताल में भर्ती होने से बचाती है। जान और जहान को बचाने में वैक्सीन जादुई भूमिका निभा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की वजह माने जा रहे और बेहद खतरनाक कहे जा रहे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को अपने वार से कुचलने में वैक्सीन कारगर साबित हो रही है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च के बाद दावा किया है कि कोरोना का टीका डेल्टा वेरिएंट से जान बचाने में 99% सुरक्षित है।
वैज्ञानिकों ने यह दावा कुल 677 लोगों के स्वैब सैंपल की जीनोम स्कैनिंग के बाद आए नतीजों के बाद किया है। एनआईवी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद जो नतीजे जारी किए हैं उनके मुताबिक 592 लोगों ने टीके की दोनों डोज लगवाई थी, जबकि 85 लोगों को टीके की एक खुराक लगी थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि दोबारा संक्रमण के ज्यादातर मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े थे। टीका लगवाने के बाद महज 9.8% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई और केवल 0.4% मरीजों की मौत हुई। इस रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना का टीका डेल्टा वेरिएंट के केस में न केवल अस्पताल में भर्ती होने के मामले घटाता है बल्कि मौत के खतरे को भी कम करता है। हाल ही में आए सर्वे में भी दावा किया गया था कि वैक्सीन लगवाने के बाद अस्पताल में होने वाले खर्च भी कम हुए हैं। There is a consistent trend as the cases are declining, the deaths are also declining, but because there is data harmonization, data adjustment, data being put, which may have not been made available earlier on, so you should see that. But overall trend, the cases are declining, the deaths are declining. Vaccination बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोविड से बचाव के लिए, और जिन्होंने अभी तक अपने शॉट्स नहीं लिए हैं उनको चाहिए कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही होम्योपैथी की 3 दवाइयाँ आर्सेनिक एल्बम 30, फॉस्फोरस 30 और ट्यूबोकुलाइनम 200 भी बचाव के लिए ली जा सकती हैं। एनआईवी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में शामिल मरीजों की औसत उम्र 31 से 56 साल के बीच थी। इनमें 65.1% पुरुष थे और बाकी महिलाएं। 71% मरीजों में कोरोना के लक्षण थे, 69% में बुखार जैसे सामान्य लक्षण थे। इसके साथ ही 56% में बदन दर्द, सिर दर्द, जबकि 56% को जी मचलाने और 37% को गले में खराश थी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि वैक्सीन के बाद अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो भी लक्षण ज्यादा खतरनाक नहीं है। जानकारों का भी मानना है कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण सामान्य लक्षण के साथ ज्यादा परेशान किए बगैर ठीक हो जाता है। जिन्होंने वैक्सीनेट कर चुके हैं कोविड के अगेंस्ट, उनको अगर संक्रमण होती भी है तो जानलेवा नहीं होता है। इसी मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये थर्ड वेव की डेल्टा वेरिएंट के ऊपर बात करें तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वैक्सीन पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ध्यान दें और वैक्सीनेट हों। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ब्रेक थ्रू संक्रमण पर नजर रखी जाए तो इलाज करना तो आसान हो ही जाएगा, साथ ही नया टीका तैयार करने में इससे मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कोरोना काल में गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई जारी रखने में झारखंड पुलिस की नई पहल सामने आई है। झारखंड के सभी थानों में मोबाइल बैंक्स बनाए गए हैं। इन मोबाइल बैंक्स में लोग नए या पुराने फोन जमा कर रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुश्किल में वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो 2 साल से पढ़ाई जारी रखने की कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जरूरी स्मार्टफोन और लैपटॉप के ना होने से गरीब बच्चों की पढ़ाई पर कोरोना ग्रहण बनकर बैठ गया है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए झारखंड में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। झारखंड के डीजीपी के आदेश पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि हर थाने में एक मोबाइल बैंक बनाया जाए। इस मोबाइल बैंक में लोग अपने पुराने मोबाइल जाकर जमा कर सकते हैं। थाने के इस मोबाइल बैंक में जमा हुए फोन को गरीब बच्चों को दिया जाएगा जो मोबाइल के बिना ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस पहल में लोगों का जमकर सहयोग मिल रहा है। काफी अच्छे उत्साह से लोग शामिल हुए थे। अभी तक हम लोग को पिछले 6 दिन में करीब 220 का मोबाइल और 3 लैपटॉप और 2 टैब जो है हम लोगों को उपलब्ध हुआ है, और इसमें जो भी आदमी हम लोगों को दिए हैं और उनको इसमें भविष्य के लीगल प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए हम लोग उनको स्टेशनरी एंट्री करके एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि आप जब हम आपके फोन हमारे पास दे देते हैं तो इसमें जो भी IMEI नंबर है या जो भी इस मोबाइल पे कुछ भी भविष्य में हो लीगल काम या जो भी तो झारखंड पुलिस की इस पहल का असर जमशेदपुर के मिसाल से समझा जा सकता है। यहाँ पर बीते 6 दिनों में 200 से ज्यादा फोन
इस मोबाइल बैंक में जमा हो चुके हैं। इसी के साथ दो लैपटॉप भी थाने के इन मोबाइल बैंकों में जमा किए गए हैं। पुलिस की इस पहल में हर धर्म से जुड़े सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस काम के लिए लोग नए फोन भी खरीदकर मोबाइल बैंक को सौंप रहे हैं। प्रशासन भी लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर मोबाइल फोन का ईएमआई नंबर लेकर फोन देने वालों को सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। इससे किसी फोन के गलत इस्तेमाल होने की दिशा में फोन मालिक को कानूनी तौर पर सुरक्षा मिलेगी। दावा एक वीडियो में यह किया जा रहा है कि हरियाणा में बढ़ते दाम जो थे पेट्रोल के, उससे नाराज होकर एक युवक ने पेट्रोल पंप पर आग लगा दी। लेकिन हमारी टीम ने जब इस दावे की पड़ताल की तो यह पाया कि यह वीडियो हरियाणा का नहीं बल्कि ईरान का है। क्या हरियाणा में एक युवक ने पेट्रोल के बढ़ते दामों से खफा होकर एक पेट्रोल पंप में आग लगा दी? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के साथ यही दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल पंप में आग लगाकर भाग जाता है। बाद में पेट्रोल पंप वाले किसी तरह से आग को बुझाते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, हरियाणा में पेट्रोल पंप फूंक कर फरार, तेल की बढ़ती कीमतों से था परेशान। फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को हरियाणा का बताते हुए शेयर कर रहे हैं। इंडिया टुडे की एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हरियाणा का नहीं बल्कि ईरान के करमान प्रांत में स्थित रफसंजन नाम के शहर का है। वायरल वीडियो में युवक पेट्रोल की जिस मशीन में आग लगाता है वो बाईं तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके की फ्रेम्स को सर्च करने पर हमें कुछ जगह इसी वीडियो का एक ऐसा रूप मिला जिसमें जलने वाली पेट्रोल पंप की मशीन दाईं तरफ दिखाई दे रही है। यानी इस बात की काफी संभावना है कि इस वीडियो को जानबूझकर फ्लिप किया गया ताकि इसकी पहचान ना हो सके। वायरल वीडियो को फ्लिप करके इसके की फ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमने पाया कि इसे ईरान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया था। हमें ईरान के यंग जर्नलिस्ट क्लब की एक रिपोर्ट में वायरल वीडियो से ली गई एक तस्वीर भी मिली। 16 जून 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को ईरान के करमान प्रांत में स्थित रफसंजन शहर में एक मोटरसाइकिल सवार और फ्यूल स्टेशन संचालकों के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी के चलते मोटरसाइकिल सवार गुस्से में वहां आग लगाकर फरार हो गया था। हमें फारसी भाषा की दो और मीडिया रिपोर्ट्स भी मिली जो इसी घटना से संबंधित है। वायरल वीडियो में पेट्रोल पंप की मशीन पर एक लोगो भी नजर आ रहा है। इस लोगो की पहचान करने के लिए हमने गूगल मैप पर ईरान के रफसंजन शहर में स्थित पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन खोजे। इनमें से एक फ्यूल स्टेशन ऐसा मिला जिसके बोर्ड का लोगो वायरल वीडियो वाले लोगो से एकदम मेल खा रहा है। इससे ये बात और पुख्ता हो जाती है कि वायरल वीडियो रफसंजन शहर का ही है। जाहिर है कि ईरान के एक पेट्रोल पंप में हुई आगजनी की घटना के वीडियो को भारत का बताया जा रहा है।